हेलो एवरीवन वेलकम टू योर ओन चैनल तो इससे पहले मैं वीडियो पे आऊँ मैं बता दूँ थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी हेवी लग रही होगी आपकी क्योंकि दो तीन दिन से तबीयत मेरी सही नहीं थी तो वीडियो में आने से पहले ये एक छोटा सा समरी सबसे पहले तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जिनका भी कल एस आई का पेपर है यस yes, एस का मेन्स पेपर है फोर एंड ऑफकोर्स एन आई का ए भी है तो जिनका भी है वो उनको आराम से मुझे लगता है कि जिनका कल पेपर होगा वो तो शायद सो भी गए होंगे क्योंकि उन्हें ऐसे होता है ना कि जल्दी सोना है तो जल्दी उठना है ये वाला कंसेप्ट है तो हालांकि जिनका भी फोर्थ मार्च को पेपर है बहुत सारा मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि कल भी दो शिफ्ट में पेपर है आई डोंट नो कितना इसमें सही है क्योंकि एक बंदे ने कहा था कि उसकी शाम वाली शिफ्ट है तो अगर किसी का भी शाम का कोई शिफ्ट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई फोर्थ को भी दो शिफ्ट है क्योंकि मैंने सुना था कि एस बी आई कलर प्रिंस तीन शिफ्ट में ले रही है दो तो ट्वेंटी फाइव को हो गई और एक फोर्थ मार्च को है पता नहीं अब कितना सच्चाई है वो तो जिन जिनका अगर शाम में होगा उनसे ही पता चल जाएगा खैर तो अब आप लोगों को तो खैर बहुत अच्छा खासा समय मिल गया फोर्थ मार्च वाले को मतलब सोच सकते लास्ट संडे हमारा पे मतलब ट्वेंटी फ़ाइव को पेपर हुआ था हमारा तो एक हफ़्ते अप्रॉक्स और बहुत बड़ी बात है पता नहीं क्यों आप मतलब जिनको समय नहीं मिला वो खुश नहीं कि भाई काश हमें मिल जाता एक हफ़्ते हम और पढ़ाई करते हैं जिनको मिल गया वो खुश नहीं क्यों हमें समय मिला हम भी हमारे दोस्तों के साथ दे लेते हैं एग्जाम यू you नो know, ज़्यादा एक हफ्ते बढ़ने से एनजाइटी बढ़ गई स्ट्रेस लेवल बढ़ गया मतलब अरे भाई कहीं तो खुश हो जाओ कहीं तो सेटिस्फाई करो खुद को हालांकि अब पॉसिबिलिटी खुशी रहने का चार तारीख वालों को ही है ऑब्वियस ही बात है प्री में हमारा जब एक हफ्ते बढ़ते तब तो हम लोग सोचते हैं कि वाओ चलो ठीक है तो फिर भी चलो प्रैक्टिस का वो है कि सारी बात प्रैक्टिस की है बट मेंस में अगर आपको एक हफ्ते का समय मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है ठीक है तो ये आप ऐसे मत बोलिए कि हाँ बेकार ही मिल गया हमें समय तब तो, तो फिर आप फिर तो हम कमेंट करेंगे फिर कि आप गलत बोल रहे हैं है ना तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को एंड ये ऑफकोर्स तो ये टॉपिक आई डी एग्जीक्यूटिव को ही लेकर था कि सबसे पहले तो ये कि डिस्क्रिपेंसी वाली चीज़ें बहुत लोगों को दो मार्च को आई हुई थी कि हाँ भाई कि दो मार्च को आपको मेल करना है एंड ऑफ कोर्स द वेटिंग लिस्ट बहुत सारा कोईरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी तो कब आएगी क्या ये मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो डिस्क्रिपेंसी के बारे में आपको बताऊँगी कि जिनका भी ये मेल आया था कि हाँ आपके यू you नो know, आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं किए या फिर आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो यू you नो know, आपके जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल वाले हैं तो इस सलीके से जिनका भी प्रॉब्लम आया था तो उन लोगों को टाइम दिया गया था एक पीरियड ऑफ टाइम आई होप आप सबने सबमिट कर दिया होगा इस पीरियड ऑफ टाइम में और जिन्होंने नहीं किया होगा वो एटलीस्ट एक मेल उन्होंने ज़रूर किया होगा कि हाँ हमने इस रीज़न की वजह से अभी तक यू नो सबमिट नहीं किया है ये वाली बात एंड इन केस अगर मेल uh, भी नहीं किया अभी तक आपने तो सबसे पहली बात तो ये तो थोड़ी सी वो वाली बात हो गई यार केयरलेस वाली बात हो गई आपको करना चाहिए था मेल बट ठीक है नहीं मेल किया है तो आप एक बार यू you ना know, उनके आप जहाँ पे आपने दिया था एक बार विजिट कीजिए या कॉल कीजिए क्योंकि वो लोग एक्सपेक्टेशन इतना रखते हैं कि हाँ मतलब अगर उनके कोई सर्टिफिकेट में क्योंकि देखो ये बड़ी बात होती है ठीक है ना हम इस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते हैं सपोज़ कीजिए आप ओ सर्टिफिकेट्स हैं राइट ठीक है और अगर आप जो सर्टिफिकेट उन्हें दे रहे हैं इससे रिलेटेड जो इससे इस चीज़ को यू नो वेरीफाई करती है अगर वही सही नहीं रहेगा तो फिर वो आपको क्यों लेंगे फिर तो वो सोचेंगे कि भाई आपने यू you नो know, आप आपसे कोई ज़्यादा मार्क्स ला के भी उनका नहीं हुआ क्योंकि वो जनरल से थे तो फिर आपको तो सर्टिफिकेट देना होगा ना उन्हें बहुत लोग ऐसे जैसे कि कुछ फ्रेंड तो उनको बोलना चाहिए था कि हाँ भाई हम सेंट्रल वाला लेंगे तो बैंक तो सेंट्रल ही लेवल लेती है ना वो कब स्टेट लेवल एक्सेप्ट करती है कि हमारी गलती है कि हमने ये चीज़ पहले नहीं जाना वो क्लियर नोटिफिकेशन में लिखती है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का चाहिए आप कहीं भी जाओ मतलब आप ब्रोकर से भी पूछना उन लोग को भी आइडिया हो गया कि बैंक हमेशा सेंट्रल लेवल ही एक्सेप्ट करती है है ना तो जिनके भी आया है जैसे कि जाहिर सी बात है ये जो डिस्क्रिपेंसी वाला जो चलता है मोमेंट मतलब एक टाइम पीरियड तक रहता है और उसके क्योंकि उसके बाद वो लोग भी समझ में आ जाता है उन लोगों को कि हाँ इतने लोगों को फर्स्ट बैच में डालना है ठीक है और एक बात और मैं बोल दूंगी कि यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जैसे सपोज़ कीजिए आपका सब कुछ क्लियर है ना आपके सारे सर्टिफिकेट्स क्लियर है आपको कोई मेल नहीं आया तो अब पैनिक मत हो जाइएगा कि हाँ अब तो हमारा ही यू नो हमारा नंबर सबसे पहले आएगा यू ना हमें सबसे पहले मेल आएगा कि हाँ भाई आपका यहाँ पे ट्रेनिंग है ठीक है नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग भी बैचेस वाइज स्टार्ट करते हैं जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था एक बैच अगस्त में शुरू हुआ था देन एक बैच सेप्टेम्बर में शुरू हुआ था उसी के बाद उन्होंने फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकाली थी एंड देन एक बैच फिर शुरू हुआ था तो ये कोई ज़रूरी नहीं है वो लोग बीच ऐसा नहीं है कि सारे बैचेस वो लोग ख़त्म कर देंगे उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं है ना तो ये मत सोचिएगा कि पहले बैचेस आना शुरू होंगे उसके बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है और वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा जनरल वालों के ही होते हैं ये ये आप मान कर चलिए सबसे कम चांसेस ओ के होते हैं सबसे कम चांसेस मतलब कम चांसेस इन देंस ये नहीं कह रहे कि होगा ही नहीं लेकिन इनके थोड़े से लिमिटेड होते हैं मार्क्स ठीक है ओ के वहीं पर मैं इससे बेटर ई की है परसेंटेज होने की पता है क्यों क्योंकि आप एक चीज़ देख लो आप कट ऑफ आप देखा होगा आपने मैं एक वो बताती हूँ मतलब मुझे पॉइंट वाला नहीं याद है वन हंड्रेड थर्टीन समथिंग वन हंड्रेड फिफ्टीन गया था जनरल का वन हंड्रेड थर्टीन ओ का जबकि ई जो है उनका सिर्फ एक सौ चार लगभग कट ऑफ गया था तो आप देख लीजिए कि यूडब्ल्यू एस के लोग कितने कम हैं, तो जाहिर सी बात है जब लोग कम हैं तो मार्क्स भी आसपास ही रहेंगे सपोज कीजिए अब बंदा एक मार्क्स कम आया है तो उनके चांसेस ज्यादा है इंस्टेड ऑफ ओबीसी में अगर वो एक मार्क्स कम है ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ ये नहीं कह रही हूँ कि एक मार्क्स कम वालों को ही लेंगे पिछले बार तो चार पाँच नंबर नीचे चला गया था तो आप अगर आपका तीन चार नंबर के आसपास है तब तो आप श्योर सर्टन रहिए ही कि आपका हो जाएगा ये मत सोचिए कि हाँ मतलब क्योंकि अब जैसे कि आप मुझे कहेंगे कि हाँ इतने में चांस है क्या ये नहीं आप खुद से देखिए अगर आपके तीन चार मार्क्स अप्रॉक्स है ना पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव जीरो वाले तो पूछिए ही मत वो तो मजाक हो जाती है कि मेरे पॉइंट टू फाइव कम है क्या मेरे चांसेस हैं बिल्कुल भाई क्यों नहीं है आप ही के चांसेस हैं सबसे पहले वेटिंग लिस्ट में मतलब हंड्रेड परसेंट ही आप श्योर रहिए कि आपका होगा मैं ये बोलूँगी कि आप हंड्रेड परसेंट श्योर लेके चलिए जबकि मैं मेरे अपने पहले वीडियोस देखे होंगे मैं वेटिंग लिस्ट वालों को कभी नहीं कहती हूँ कि आप होप लेकर चलिए लेकिन मैं इनको कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनकी गारंटी इनकी हो जाएगी ज़ीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो आप लोग को इतने सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बट उम्मीद जहाँ तक आप बोलेंगे कि कितने मार्क्स तक उम्मीद है तो मैं यही बोलूँगी कि तीन से चार मार्क्स अगर हैं आपके तो आप एक एक्सपेक्ट करके चलिए कि हाँ आपका हो जाएगा ठीक है तो ये रहा एंड वेटिंग लिस्ट जैसे मैंने बता दिया कि वेटिंग लिस्ट जब भी आएगी फर्स्ट या सेकेंड ज्वाइनिंग के बाद मतलब फर्स्ट या सेकेंड बैच के बाद जो वो वेटिंग लिस्ट को रिवील करते हैं ऐसा नहीं है कि तीन बैचेस आ जाते हैं उसके बाद वो करेंगे या उनके जितने बैचेस खत्म हो जाते हैं उसका नहीं वेटिंग लिस्ट बीच में ही निकालते हैं वो लोग एक दो बैचेस जब कंप्लीट होते हैं तो वेटिंग लिस्ट आना शुरू हो जाता है एंड आई थिंक लास्ट टाइम तीन वेटिंग लिस्ट आया था ठीक है तीन वेटिंग लिस्ट आई एम श्योर तीन उसके बाद मुझे नहीं लगता है अभी तक नहीं आया ठीक है तो तीन वेटिंग लिस्ट लास्ट टाइम तक आया था तो मोस्ट प्रॉब्बली मान के चलिए इस बार भी वैसा वैसा आएगा एंड ऑफकोर्स एक कुछ कुछ क्वेरीज है लाइक like किसी ने पूछा था कि आई डी एग्जीक्यूटिव फॉर्म आएगा तो ऑफकोर्स आएगा ये थोड़े ही कि नहीं आएगा हमें जॉब चाहिए तुहें भी तो बच्चे चाहिए ना है ना तो ऑफ कोर्स आएगा फॉर्म एंड एक चीज़ बड़ा मुझे सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कुछ स्टूडेंट हैं ऐसा बोलते हैं कि उनका नवंबर में डीवी हुआ था राइट right. उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है मतलब मैं अब अब यहाँ पे स्पेलिंग बहुत लोग जज करेंगे कि मैम को ज्वाइनिंग का स्पेलिंग नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है लिख दिया मैंने तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है नवंबर ऑलमोस्ट तीन चार महीने हो गए और वो अभी तक ज्वाइन नहीं करवाए ये बहुत मतलब अजीब है बहुत शॉक है शॉकिंग है ये सुनना कि मतलब नया फॉर्म आ गया एग्जाम हो गए उसका रिजल्ट आ गया सिलेक्शन भी हो गया डी हो गया तो फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई एंड ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ यार जिनकी डीवी हो जाए और फिर भी वो बहुत ये बुरा है सही नहीं है आप क्यों आप मेल आपने किया क्या आप प्लीज़ उन्हें मेल कीजिए या नंबर अगर आई डी का क्या है आपके पास आप उस पर प्लीज़ कॉल कीजिए उन्हें बोलिए कि हाँ कब होगी हमारी ज्वाइनिंग ये तो आपका हक है इवन ये हमारा हक है कि हमारी ज्वाइनिंग अगर आ गई है डेट मतलब अगर हमारी डीवी हो गई है तो हमें भाई जॉब चाहिए फिर प्रॉब्लम कहाँ है आप कम से आप कॉल कीजिए उन्हें मेल कीजिए इवन जितने स्टूडेंट हैं सब एक साथ कीजिए मेल उन्हें ताकि कम से कम पता तो चले कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है है ना तो बस यही सब बताना था कुछ बातें लाइक वेटिंग लिस्ट या डिस्क्रिप्टेंसी को लेके यही सब बातें करनी थी एंड टेंशन मत लीजिए ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा जाएगा यू नो you know, कि अब वेटिंग लिस्ट को लेकर तो यार अगले साल जैसे होता है ना कि अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती है कि अगले साल आती है हालांकि अब तो आर आर बी आई वी पी एस भी तीन से चार महीने में फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं वो लोग है ना पहले क्या था कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर को आता था आर आर बी का एंड थर्टी फर्स्ट मार्च को आता था आई वी पी एस का अब तो बीच में भी एक दो बार आ जाते हैं जैसा इन्हें ज़रूरत होती है तो आप टेंशन मत लीजिएगा वेटिंग लिस्ट के लिए आपको अगले साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा हाँ लेकिन एक चीज है कि हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि आप, आप मतलब आपका सब कुछ सही है और आपका फर्स्ट बैच में ना हो मैं ये पहले ही आपको बता रही थी क्योंकि ये लास्ट टाइम हुआ है तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस मतलब रहा है इतने सारे स्टूडेंट क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना छः महीने जुलाई में उस टाइम फॉर्म आया था दिन दिसंबर में आया तो सारा कुछ क्लियर रहता है चार पाँच महीने की जब बात होती है ना तो क्लियर रहता है वो भी जब जब किसी अपने का निकल निकला हो इस जॉब में तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बातें क्लियर होती है तो मैं बस उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि टेंशन नहीं लीजिए आराम से जो भी आपका पेपर है जैसे एन आई एस एल होगा एस बी आई कल का मींस होगा या फिर और भी फॉर्म अभी आने वाले हैं तो उसके प्रिपरेशन में लगे रहिए तब तक और अपना ख्याल रखिए और ये जो मौसम है चेंज वाला कभी गर्मी कभी ठंडा उससे बच के रहिए वरना दो चार दिन पाँच दिन ये खींच लेते हैं और बहुत फिर वो होता है यार ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, है ना तो बस अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच